राज्य में जंगलों के धधकने का सिलसिला लगातार जारी है। एक दिन में वनाग्नि की 68 नई घटनाएं सामने आई हैं। अब तक 316 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। उधर वन मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी जंगलों को बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। जंगलों का जायजा लेने मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल नरेश कुमार पौड़ी पहुंचे और मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल ने बताया कि बेकाबू हो रही वनाग्नि घटनाओं पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों से फैली आग जब ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच रही है, इसलिए जंगल की आग को काबू कर पाना वन विभाग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। इसमें है ये तो हमने देखा कि यहाँ पौड़ी शहर के पास भी आग आ गई थी, तो ऐसे क्षेत्रों में अगर रेजिडेंशियल एरिया है, हमारे इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको बचाने के लिए तो हेलीकॉप्टर की सेवाएं लिया जाना उचित ही होगा। और अभी जैसे आज हम गए थे अद्वानी, हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पे बड़ी फायर थी, नीचे गांव था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे फायर लाइन काट दे, सब जगह से काट रहे थे, क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हेलीकॉप्टर की वहाँ मदद ली गई, अभी वहाँ पर चल रही है, तो हेलीकॉप्टर पानी गिरा रहा है। तो हेलीकॉप्टर कई जगह सक्सेसफुल है। अब यह है कि रोज़ तो मतलब बहुत लार्ज और डेंजरस फायर है, तो उसके लिए तो ठीक है।